नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाई गई है, इसके बाद हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार बाजार में बिना काम के घूम रहे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी को पकड़कर गिरफ्तार किया जा रहा है। यह मुहिम दरभंगा जिले के विभिन्न जगहों पर चलाया गया, जिसमें कुल 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इतना ही नहीं, एक स्कॉर्पियो को जब्त भी किया गया है। स्कॉर्पियो को विश्वविद्यालय थाने के हवाले फिलहाल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एवं गिरफ्तार व्यक्तियों को कोतवाली ओपी को 9 व्यक्ति और लहरिया सराय थाने को 8 व्यक्ति उनके हवाले किया गया है। आगे की मुहिम ऐसे ही चलाई जाएगी और यह मुहिम अभी भी चल रही है। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। और सर, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? बिहार सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाई गई है कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए, उसमें हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के निर्देशानुसार हम लोग शहर में वैसे लोग जो बिना काम के घूम रहे हैं उनको पकड़कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित थाना को सुपुर्द किया गया। कितना अभी तक पकड़ाया गया? अभी तक 17 व्यक्ति को पकड़ा गया। किस किस थाना में पकड़ाया गया? लहरिया सराय में 8, कोतवाली में 9। अभी हम लोग अभियान जारी रखते हैं। सर, अपना शुभ नाम? इंस्पेक्टर मदन प्रसाद, सीआईटी प्रभारी। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharstudy.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाएं अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www